क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी लोंडिया धोरे आ रही है पाकिस्तान से, जितना अपना इंडिया से प्यार है उतना पाकिस्तान से, लेकिन नेशन फर्स्ट वाली बात तो आई जाती है कि देश पहले है। अमित भड़ाना या भुवन बम? भुवन का मेरे पास बर्थडे पे मैसेज आया था भुवन भाई का कि हैप्पी बर्थडे भाई। अमित बॉलीवुड से कॉल आई है, मतलब बातचीत है वहाँ के लोगों से। आप कितना खबरें देखते हैं, न्यूज में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? देख लेता हूँ, मतलब हफ्ते 10 दिन में जब टाइम मिलता है देखता जरूर हूँ। पता रहने चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है। आपको पता है डिजिटल कितना फैल गया, अब टीवी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। हम लोग फ़ोन में सारी चीज़ें देख सकते हैं, यूट्यूब है, सब कुछ देख सकते हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही होती है तो वो ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए कहीं ना कहीं से पता लग जाता है। और टाइम भी आजकल डिजिटल का ही, आपको पता है कि डिजिटल पर ही सारी चीज़ें हो रही है। और बढ़िया है क्योंकि टीवी क्या था ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को बहुत सफ़र करना पड़ता था। अब आप मेट्रो में बैठे हो, आप घर से बाहर हो, आप कहीं पर भी, किसी भी गांव में भी हो और आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है और यूट्यूब है तो आप सब कुछ देख सकते हो। अभी जैसे मैं ही था, मुझे अगर वीडियोज़ बनानी थी तो पहले लोग सोचते थे बॉम्बे जाना है या कुछ और चीज़ करनी है, कैसे पहुँचा जाए। अभी कितनी अच्छी चीज़ आ गई है कि यार आपके अंदर कोई टैलेंट है, हाँ वो यूट्यूब पर डाल दो, अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, वो शेयर होगा, चार लोग आपकी बात जरूर करेंगे। चलो अभी अभी आपने 10 मिलियन क्रॉस किए भाई, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। 10 मिलियन क्रॉस किए, 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स इन्हें देखते हैं लगातार, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। अमित जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था, जब यूट्यूब आप शायद आपके दिमाग में ही होगा कि यार वीडियो बनाऊंगा, तो कहाँ था, कैसा आपका, आपकी लाइफ कैसी थी? अब तो काफ़ी चेंज हो गई होगी। बस एक खोया हुआ अमित था जिसके दिमाग में सपने चलते रहते थे कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, पर घर वालों का वो ही, आपको पता है घर वाले चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा, उनकी भी गलती नहीं है, वो सब चाहते हैं कि यार अब बच्चे को हमने 20-22 साल तक पढ़ाया है, अब ये कोई जॉब करके कुछ कमाए, कुछ करे, कुछ अच्छा करे जिससे, और आपको पता है ये रिश्तेदार कि भाई रिश्तेदार चार बात बनाएंगे तो बस। अब मुझे आपने, आपको एक वीडियो ऐसे बनानी चाहिए कि चार रिश्तेदार जो हैं ये क्या कहेंगे आपकी ज़िंदगी में, बचपन से अमित था और बड़ा हो गया, किसी भी कहानी किसी की भी ज़िंदगी में ये चार रिश्तेदार हमेशा रहते हैं कि आप एग्ज़ाम में कम नंबर लाओगे, चार रिश्तेदार क्या कहेंगे। वीडियो बनाई थी माहौल तो उसमें मैंने दिखाए थे कि 3 लोग आके बैठ गए हैं और कह रहे हैं आपके लड़के के कितने परसेंटेज आए, नहीं पीछे से लड़का आता है उनके लड़कों की परसेंटेज बताता है, इसके लड़के के 33 हैं, इसके 35 हैं, 40 हैं, देखो दूसरों के लिए बात बना रहे हैं। तो जो महसूस होता है ना आसपास से कि हाँ यार ये होना चाहिए, वो मैं कर देता हूँ वीडियो से। कहते हैं ना कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी से कहानियाँ लेके बनाता है तो उसमें एक अलग मिठास होती है, एक सच्चाई सामने आती है, तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा कुछ बनाते हुए? हाँ मुझे लगता है कि रियल रहना चाहिए, असली में जो महसूस कर रहे हो बना दो। कुछ लोग देख कर सोचते भी होंगे कि यार ये कुछ वो नहीं आया, लेकिन वो कुछ हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैं वो समझ जाते हैं कि यार हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी 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 चीज़ें जो अपनी वीडियोज़ में रहती हैं वो रियल लाइफ में हुई हुई रहती हैं, तभी तो वो वैसी हुई हैं। हमारे देश में ही नहीं आपको देखते, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं आपको। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर कहीं आप गए हो या फिर आपको बाहर से लोगों ने टेक्स्ट किया या फिर कुछ बात कही हो? हाँ जैसे फैन मूवमेंट रसिया गया था मैं, वहाँ लोग मिले थे मुझे, कतर में मिले थे, बाकी लंदन हो गया और अमेरिका, कनाडा, यहाँ से पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में ज़्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं और समझते हैं। पाकिस्तान से जितना अपना इंडिया से प्यार है उतना पाकिस्तान से, लेकिन नेशन फर्स्ट वाली बात तो आई जाती है कि देश पहले है। जैसे कभी आर्मी की कोई बात होती होती है तो भाई उसमें देश पहले है, बाकी अपना पाकिस्तान से मेरा पर्सनल तो कुछ नहीं है, वहाँ के लोग प्यार ही देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो पहले भारत, नेशन फर्स्ट, इंडियन आर्मी सबसे पहले। पहले मेरे दादा खुद मिलिट्री में थे, तो दादाजी अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो मिलिट्री में थे, तो जहाँ मिलिट्री की देखो नेताओं का तो काम है आपस में बढ़वाना, उनकी बातों में मैं आता भी नहीं, लेकिन जब आर्मी की बात है तो अपना देश पहले। वाह क्या बात, इस बात पे भी तालियां होनी चाहिए बॉस। आपके कॉम्पिटिटर्स, अब उनकी बात की जाए, भुवन बम आपके साथ ही शायद 2 सेकंड या 3 सेकंड पहले उनके 10 मिलियन हुए थे, बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक, अमित भड़ाना या भुवन बम, क्या था मन में, क्या एक कंपटीशन वाली फील थी या फिर कुछ और? भाई जिस दिन मेरे को लगा कि मेरे 10 मिलियन होने वाले हैं, उस टाइम मैं आराम से एक कमरे में बंद हो गया था आराम से, क्योंकि अपने को ये नहीं था कि कौन पहले कर रहा है, कौन क्या कहाँ जा रहा है। भुवन से बात हो रही थी उस टाइम पर?
भुवन से, भुवन का मेरे पास बर्थडे पे मैसेज आया था भुवन भाई का कि हैप्पी बर्थडे भाई ऐसे करके, फिर उनके पिताजी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने मैसेज किया था भाई कैसे है। तो अपने बीच में मैंने तो कभी कंपटीशन ऐसा फील किया नहीं है कि कुछ कंपटीशन है अपने, मेरा टारगेट लोग सोच रहे थे 10, मेरा टारगेट वो नहीं था, मेरा था 18 महीने कि यार 18 महीने में 10 मिलियन कौन कितने दिन में कर रहा है वो नहीं था मेरे मन में, बस ये चलता था यार 18 महीने में 1 करोड़ लोग, भगवान को मैं शुक्र अदा कर रहा था कि भगवान थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक आज पहुँचाने के लिए, ये था। बाकी अब मन में मेरे कभी ऐसे नहीं रहता कंपटीशन, आप मेरे पुराने इंटरव्यू उठा के देखोगे, मैं जितने भी इंडिया के क्रिएटर हैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, खासकर जो मुझसे पहले से वीडियोज़ बना रहे, क्योंकि 3-4 साल तक लगातार वीडियोज़ लिखना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन है, हमें खुद महसूस, मुझे खुद महसूस होता है। अब मेरे ऊपर जैसे 1 करोड़ लोगों का प्रेशर है, तो अभी जो मैं लेटेस्ट वीडियो लिख रहा हूँ उसे 8-9 दिन हो गए हैं लिखते हुए। क्या लिख रहे हो, कुछ स्नीक पिक? मतलब बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है, मतलब अभी तक का सबसे अच्छा लिखा। सोशल मैसेज वो मैं हंसाते हंसाते दे देता हूँ अपने तरीके से, हंसाता रहूँगा लोगों को। शायरी भी कर देते हाँ करें, हाँ वो कर दें। पहले तो एक वही वाली शायरी शुरू हुई थी आपकी, तेरे भाई ने कर दिया जिम शुरू, जिसको चाहे उसको लपेट दूं। क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी लोंडिया धोरे आ रही है। पढ़ाना इतना मॉडेस्ट, इतना शांत रहता है, गुस्सा आता है? आ जाता है भाई, गलत चीज़ें जैसे रेप वगैरह की चीज़ें मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी मैं कुछ देख लेता हूँ कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, मैं भी गलती कर देता हूँ, मुझे गुस्सा आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मुझे पता लगता है 5 दिन से मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं करी है, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ऐसी ऐसा ऐसा भी कैसा काम कि तू माँ को टाइम नहीं दे पा रहा। तो भाई ह्यूमन नेचर है, मैं एलियन तो हूँ नहीं, कहीं बाहर से तो आया नहीं, मैं भी आपके बीच से ही निकला हूँ। जैसे आपको गुस्सा आता है कहीं पर, भाई यार ये क्या कर रहा है, वैसे मुझे गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, बॉलीवुड से कॉल आई है क्योंकि आपका जो अब अगला स्टेप है यूट्यूब पे तो आप छा गए हो, और मैं तो चाहता हूँ आप प्यूडीपाई को भी बीट कर दो, और उससे आगे जो चैनल आने वाला है इंडिया का उसको भी बीट कर दो। लेकिन सारी खबरें रखते हो आप, सारी खबरें हैं, अब बॉलीवुड से कॉल आई है, मतलब बातचीत है वहाँ के लोगों से, ऐसी बात नहीं है कि बातचीत नहीं है, मैं ज़्यादा शो ऑफ करता दिखाता नहीं हूँ कि किस किस से बातचीत है अपना, ठीक है होगा, बहुत जल्द होगा, कुछ होगा, कुछ सरप्राइज आने वाला है सब्सक्राइबर्स के लिए। सबसे वाइल्ड चीज आज तक आपके फैन, किसी फैन ने कुछ की हो आपके लिए, बोला हो कि मैं हाथ काट लूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं पढ़ाना तेरे लिए? नहीं नहीं भाई, ऐसे तो कोई नहीं मिलता, बस एक मतलब हो गया था कि एक लड़की मुझे मिली थी तो वो रोने लगी थी, तो वहाँ आसपास भीड़ लग गई थी कि लड़की छेड़ दी इसने। अब मुझे कोई जानता, मतलब हर कोई नहीं जानता भाई, कुछ होते हैं लोग, अब वो मेरे को देख के अपने आप ही उनके क्या कर दिया रे तूने, मैंने कह रहा भाई साहब मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने कह रहे बहन जी आप बताओ यार क्या मैटर है यार, मैटर क्लियर करो। उन्होंने कहा अरे आप जाओ जाओ, ये मैं इनकी फ़ैन हूँ, ऐसे ऐसे रहे फैन पंखा क्या चल रहा है। तो वैसे तो ये मेरे को ऐसा लगा था कि जब मैं आ तो गया घर, मैं रस्ते में यही सोच रहा कोई 2-4 आके पीछे से रख ना दे, हाँ भाई क्या चल रहा है, किससे पूछ के चेड़ी तूने लड़की, गलियों में निकल पाता है क्या वो भी थोड़ा? हाँ भाई मैं अभी भी बाइक पे घूमता रहता हूँ, मैं तो करता रहता हूँ भाई, मैं आज भी ठेली पे छोले कुलचे छोले भटूरे भाई वही खाते हैं, वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए, वो चीज़ें चली गई ना तो रियलिटी नहीं ला पाऊंगा वीडियोज़ में, क्योंकि वहीं से ही तो चीज़ें, वहीं से ही तो चीज़ें मिलती हैं, वहीं से ही तो बंदा आता है एक छोले कुलचे की दुकान पे और तेज कहेगा, सबसे पहली बात बोलेगा भाई मेरे को सबसे पहले दे दो, कहेगा तो छोले कुलचे वाले का रहेगा, छोले कुलचे क्यों तू का लंदन जा रहा है? तो वो कहेगा अरे भाई बहुत दिख मम्मी खड़ी है यार, मुझे मम्मी को लेके जाना है, मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही, बंदा बहाने मारने शुरू कर देगा, यहीं से तो चीज़ें मिलती हैं। फिर अब हम अपना 5 स्टार में जाने लगे, वहाँ हमें क्या मिलेगा, वॉश सामान वैसमान्स यही सुनने को मिलेगा, वो दिखा नहीं सकते हम वीडियो। तो हर इंसान की जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखने और मिलते रहना ही चाहिए यही। चलिए शुक्रिया अमित बड़ाना, आप हमारे साथ आए।